नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज कुमार पंडित आपको हार्दिक स्वागत करते हैं द होम्यो इनसाइट यूट्यूब चैनल में। आज के जो टॉपिक लिए हैं वो बहुत अच्छा टॉपिक है। उसका नाम है कि क्यों होम्योपैथी डॉक्टर लोग होम्योपैथिक प्रेस्क्रिप्शन आपको देते नहीं। ट्रीटमेंट तो करते हैं, दवा तो देते हैं, लेकिन प्रेस्क्रिप्शन आपको नहीं देते हैं। इसका क्या वजह हो सकता है? कुछ वजह है, कुछ साइंटिफिक वजह भी है, उसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। उससे पहले बोल लें कि आप अगर मेरे चैनल में पहले व्यूअर हैं तो आपको स्वागत करते हैं, और बहुत दिनों से मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं उनको हार्दिक स्वागत करते हैं। और क्या कीजिएगा, वीडियो चलते चलते अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, और अगर बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और साथ ही में आई बेल घंटा जो है उसको ऑल में प्रेस करके रख लीजिए ताकि हम जब वीडियो डालें आपको तुरंत मिल जाए। उसके साथ ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक बार घूम कर आइएगा, वहाँ पर बहुत सारा बीमारी और उसका साथ मेडिसिन का संपर्क में बोला गया है, वहाँ पर भी आपको काम में आ सकता है, एक बार वहाँ से भी घूम के आइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, क्यों होम्योपैथी डॉक्टर लोग आपको होम्योपैथिक प्रेस्क्रिप्शन नहीं देते, इसका कारण क्या है। देखिए, एक नंबर कारण जो होता है हमको जो समझ में आता है वो ये है कि अगर प्रेस्क्रिप्शन हम कर दें तो फिर पेशेंट क्या होगा उसके बारे में जान जाएगा, वो मेरे पास वो आएगा नहीं, फिर क्या होगा मेरा पेशेंट घर जाएगा। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि अगर प्रेस्क्रिप्शन हम कर दें, मेडिसिन उसमें लिख दें, तो पेशेंट क्या करता है मेरे पास आएगा नहीं और दूसरा कोई मेडिसिन शॉप में जाएगा, वो दवा खाने लगेगा ताकि डॉक्टर को विजिट देना ना पड़े या ज़्यादा पैसा देना ना पड़े, ये भी एक कारण होता है। तीसरा कारण क्या होता है, प्रेस्क्रिप्शन कर देने से क्या होता है, वो डॉक्टर के मन में चलता है कि अगर हम प्रेस्क्रिप्शन कर दें, मेडिसिन उसमें लिख दें, और अगर मेरे पास नहीं आके कोई दूसरा जगह से कोई शॉप से मेडिसिन लेके वो खाते रहे तो फिर क्या होगा, बीमारी तो ठीक होगा या नहीं होगा बाद में बात है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट भी हो सकता है। इस डर से भी डॉक्टर लोग नहीं देता है। साइड इफेक्ट कितना खतरनाक है वो आगे आएगा, देख लीजिएगा आई बटन में, उसके बीमारी में वो उस विषय में भी एक वीडियो बनाए हुए हैं, उसको देख लीजिएगा। तीसरा कारण क्या हो सकता है कि हम जो जानते हैं वो दूसरा कोई डॉक्टर को नहीं जनाएंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं जानने देंगे, या मेरा नॉलेज किसी को शेयर नहीं करेंगे, ये एक कॉज हो सकता है। पांचवा कॉज क्या हो सकता है कि मान लीजिए अगर हम मेडिसिन सिलेक्शन में गलत हैं या भूल भाल होता है या ठीक नहीं होता है तो फिर दूसरा कोई डॉक्टर के पास चला जाएगा तो वो देखेगा वो डॉक्टर है ये नहीं ठीक ठाक, क्रिटिसाइज करता है और मन में एक डर रहता है, इसीलिए वो आपको प्रेस्क्रिप्शन नहीं देते हैं। और कारण क्या हो सकता है, मान लीजिए कि प्रेस्क्रिप्शन अगर आपको दे दिया है तो क्या होगा कि आप तो एक करेंगे कि दूसरा शॉप से मेडिसिन खा के वो अपना साइड इफेक्ट कर सकते हैं, तीसरा वो मन में डर रहता क्या कि वो आपको दे ही नहीं सकता है प्रेस्क्रिप्शन। क्यों अगर कोई प्रेस्क्रिप्शन देगा तो इसका मतलब वो रजिस्ट्रेशन डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन वो अगर रजिस्टर्ड डॉक्टर नहीं होगा तो फिर आपको प्रेस्क्रिप्शन कैसे देगा, क्योंकि उसका रजिस्टर्ड कोई पैड रहेगा ही नहीं, इसलिए वो आपको प्रेस्क्रिप्शन नहीं दे पाएगा, कितनों भी बोल लीजिएगा लेकिन देगा नहीं। तो क्यों, क्योंकि वो रजिस्टर्ड डॉक्टर है नहीं, इसलिए वो दे नहीं सकता। ट्रीटमेंट कर देगा, मेडिसिन दे देगा इलीगल तरीके से, लेकिन फिर भी वो आपको प्रेस्क्रिप्शन नहीं कर पाएगा, ये एक कारण हो सकता है। दूसरा क्या होता है कि बहुत सारा डॉक्टर मिक्सोपैथी करता है, होम्योपैथी जेन्युइन नहीं करता है, तो उसके मन में भी डर रहता है कि हम पकड़ा जाएंगे, मेरा केस हो सकता है, उस कुछ भी हो सकता है, इसीलिए वो डर के मारे नहीं देता है। तीसरा क्या होता है, मान लीजिए देखिएगा मिक्सोपैथी तो होता है एगो, मतलब एलोपैथी होम्योपैथी आयुर्वेदिक सब मिला के दे देता है, और एक होता है कि मिक्सोपैथी में ही आता है क्या होता है कि बहुत ज़्यादा दवा एक साथ देता है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पाँच नंबर करके दस नंबर, या तो फिर एक नंबर में चार पाँच को दवा मिला देता है, दो नंबर में चार पाँच को दवा, ऐसे करके तीन को लिस्ट बना देता है। तो ये जो एगो इलीगल तरीके से दवा देते हैं, जो कि इलीगल है नहीं, होम्योपैथी का इलीगल नहीं है, कानूनन नहीं, होम्योपैथी में इलीगल नहीं है, मतलब जेन्युइन होम्योपैथ नहीं होने से ऐसा ही होता है, या तो फिर उसके अपने बारे में ही फेथ ज़्यादा नहीं होम्योपैथी में, इसीलिए इतना दवा दे देता है, तो वो मन में भी एक डर रहा था, इसलिए भी आपको प्रेस्क्रिप्शन वो नहीं देगा। पेशेंट के लिए बोलते हैं कि वो क्या सोचता है, पेशेंट में क्या होता है कि आप डॉक्टर के पास अगर जाते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, कोई भी डॉक्टर हो, तो आपका काम है प्रेस्क्रिप्शन मांग के लेना, अगर डॉक्टर नहीं देता है तो। क्यों, मान लीजिए डॉक्टर भगवान तो है नहीं, भगवान बोला जाता है ठीक है, लेकिन वो भगवान है ही नहीं। मान लीजिए कोई एक डॉक्टर के पास आप ठीक नहीं हुए तो दूसरे डॉक्टर के पास जाइएगा, तो अगर मान लीजिए जब पहले वाला डॉक्टर का आप छोड़ रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पर कुछ काम हुआ नहीं, तो क्या दवा खाए हैं, नहीं खाए हैं, कितना पावर का खाए हैं, ये सब जानना बहुत जरूरी है, या तो फिर कोई साइड इफेक्ट आपको हो गया, फिर बीमारी बढ़ गया, तो उसके लिए भी आपको जानना जरूरी है, दूसरे डॉक्टर के पास जाइएगा, वो अगर प्रेस्क्रिप्शन आपको मिलेगा उसको, तो फिर वो आपको ठीक कर पाएगा, नहीं तो फिर ठीक नहीं होइएगा।
क्योंकि आपका हो सकता है कि होम्योपैथी एग्रावेशन हो गया हो सकता है कि बीमारी ठो बढ़ गया हो और कुछ भी साइड इफेक्ट हो सकता हो, इसके बारे में भी एक वीडियो है आप देख लीजिएगा, उसमें डिटेल्स में हम बताए हैं। तो इस कारण से आपका प्रेस्क्रिप्शन आप मांग लीजिएगा। और क्या करना है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए रोग जो होता है, बीमारी जो होता है, एगो उसका लेवल होता है, उसका टाइम होता है कि एगो समय सीमा में ही वो आता है और एगो समय लेके ही वो ठीक होता है। तो वैसे भी मेडिसिन जैसे दिया जाएगा तो उसका भी एगो लिमिट होता है कि टाइम लेना पड़ता है कि एगो बीमारी जैसे आता है उसको भी ठीक करने के लिए भी एगो टाइम मेडिसिन को देना पड़ता है। वो इसीलिए मेडिसिन खाने से ही आपको मैजिक तो होगा नहीं, क्योंकि मेडिसिन मैजिक होता नहीं है। मैजिक तो अलग बात है, लेकिन मेडिसिन में आपको मैजिक नहीं किया जा सकता है, वो अपना प्रोसेस से ही एगो साइंटिफिक प्रोसेस है, उसी में आपको जाएगा वो ठीक हो जाइएगा। इसीलिए डॉक्टर को बहुत ज़्यादा मतलब पेशराइज नहीं कीजिएगा, हमको जल्दी ठीक कीजिए जल्दी ठीक कीजिए, ऐसा नहीं। आप सदर इतना ही बोलिए, सर हमको ठीक होना है, आप ठीक कर दीजिए। इतना बोलने से ही डॉक्टर आपके लिए बैठा है ठीक करने के लिए, और आप डॉक्टर है ये है आपको ठीक करने के लिए ठीक कर देगा। बस इतना ही बोलना है। आप लोग प्रेस्क्रिप्शन ले लीजिए, प्रेस्क्रिप्शन देना चाहिए। प्रेस्क्रिप्शन नहीं लेने से बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो बहुत सारा वीडियो हम बनाए हैं, देख लीजिएगा। बस आज का टॉपिक इतना ही है। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और कुछ जानना है कुछ पूछना है तो फिर कमेंट के थ्रू हमको भेजिए मैसेज, हम आपको उत्तर देंगे।